देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और इसी के चलते 6 राज्यों की नागरिकता कानून को ना करने पर बवाल मचा हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो अपने समय में हिंदू सिख शरणार्थियों को ही नागरिकता दी है, लेकिन मोदी सरकार ने तो ईसाई जैन बौद्ध सबको को नागरिकता में शामिल किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम है। देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और इसी के चलते 6 राज्यों की नागरिकता कानून को न करने पर बवाल मचा हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो अपने समय में हिंदू सिख शरणार्थियों को ही नागरिकता दी है, लेकिन मोदी सरकार ने तो ईसाई जैन बौद्ध सबको नागरिकता में शामिल किया है, जो कि बढ़िया है। धूमल ने दो टूक शब्दों में कहा कि राजनीतिक तौर पर इसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं रहा है और कांग्रेस को बाद में अपने किए पर स्वयं पछताना पड़ेगा कि नागरिकता को लेकर विरोध किया था। इसका विरोध राजनीतिक आधार पर किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं 3 देशों के जो अल्पसंख्यक है उनको राहत देने की, और विपक्ष बात कर रहा है हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को उसके साथ जोड़ने की। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां पर मुस्लिम बहुल्य है, वो वहां पर अल्पसंख्यक नहीं है, वो तो बहुसंख्यक है। जो वहां पर प्रताड़ित है उनको यहाँ, और जो जिस तरह की कहानियां वो लोग सुनाते हैं, जो आप बीती सुनाते हैं, आकर रोंगटे खड़े करने वाले हैं। और इससे पहले जैसे माननीय गृह मंत्री ने पढ़कर भी वहां सुनाया, कांग्रेस ने स्वयं कहा था कि हिंदू सिख शरणार्थियों को नागरिकता दी जाए। वो हिंदू सिख की बात कर रहे थे, इस सरकार ने हिंदू सिख पारसी ईसाई जैन बौद्ध और भी शामिल कर दिए सारे। इसलिए केवल राजनीतिक आधार पर विरोध हो रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, और कुल मिला के इनको अपने किए पे स्वयं पछताना पड़ेगा कि उन्होंने गलत विरोध किया। असहाय पीड़ित प्रताड़ित लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए थी, उस पर अड़चन पर आने का एक प्रयास किया है। वहीं प्रदेश में धारा 118 को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के बार बार बैक आउट करने पर धूमल ने कहा कि धारा 118 में आज तक 5 से 6 बार संशोधन केवल कांग्रेस सरकार के समय में हुआ है। उन्होंने कहा कि धारा 118 पर कांग्रेस केवल मात्र शोर शराबा करके राजनीति को चमकाने का काम कर रही है, इससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। धारा 118 70 के दशक में लागू की गई थी, इसमें 5 या 6 बार संशोधन हुआ है, और इतिहास है कि जब भी संशोधन हुआ कांग्रेस सरकार ने किया है। जो उस पर रिलैक्सेशन दिया गया, जो ढील दी गई, वो कांग्रेस सरकार ने दी है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है। स्पेसिफिक अगर उनके पास कुछ होगा वो कहेंगे, तो उसे सुना जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। केवल मात्र ऐसे शोर करने से कोई लाभ नहीं होगा कि 118 से छेड़खानी हो रही है।